हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस एजुकेशन। आज हमारा टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, यूरिन के बारे में पढ़ेंगे, रीनल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे एंड फंक्शंस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं डायग्राम के साथ। तो यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है, यूरिनरी सिस्टम में होती हैं दो किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। किडनीज जो होती हैं ये क्या होती है, ये बीन शेप की होती हैं। कौन से शेप की, बीन शेप की किडनीज़ होती हैं। और यूरेटर्स, यूरेटर्स क्या करते हैं, किडनीज़ क्या करती हैं, यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन पहुंचाती हैं। किसके थ्रू, यूरेटर्स के थ्रू। और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या होता है, यूरिन कलेक्ट होता है। और यूरेथ्रा क्या करता है, यूरेथ्रा का फंक्शन है ये पास कराता है, वॉइड कराता है यूरिन को। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, अब ये हमारा डायग्राम है, अब हम स्टार्ट करते हैं डिटेल्स में। सो ये है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोलते हैं, जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है यूरिन को, स्टोर करके रखता है, होल्ड करके रखता है और एलिमिनेट करता है यूरिन को। और यूरिन क्या होता है, यूरिन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। वेस्ट मटेरियल डैट इज सिक्रेटेड बाय द किडनी इज रिच ऑफ एंड प्रोडक्ट। क्या बता रखा है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सिक्रीट होता है किसके थ्रू, किडनीज के थ्रू। इज रिच ऑफ एंड प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट्स के साथ यूरिन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर और क्रिएटिनिन। ठीक है, अब यूरिन, यूरिन क्या करता है, जो ब्लड का वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है। जैसे स्किन का वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, स्वेट। और लंग्स का वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड। और लीवर का प्रोडक्ट क्या होता है, बाइल जूस। तो ये सारे अपने अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या करते हैं, पास आउट करते हैं। वैसे ही ब्लड का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यूरिन होता है। ब्लड फिल्टर होने के बाद, ब्लड फिल्टर होता है नेफ्रॉन से, और नेफ्रॉन क्या कलेक्ट करती है, यूरिन कलेक्ट करती है, जो जो क्या करती है, यूरेटर्स के, यूरेटर्स में यूरिन को पास करती है। अब क्या है, व्हाट ट्रिगर्स यूरिन, यूरिनेशन, कि क्या ट्रिगर करता है यूरिनेशन को। तो मिचुएशन, मिचुएशन और यूरिनेशन एक ही होता है, मिचुएशन बोल सकते हैं या यूरिनेशन बोल सकते हैं। मिचुएशन और यूरिनेशन का मतलब सेम होता है, कि यूरिन का पास आउट होना। इज अ एक्ट ऑफ एम्प्टिंग द ब्लैडर, ब्लैडर का खाली होना। व्हेन द ब्लैडर इज फुल ऑफ यूरिन, जब ब्लैडर फुल ऑफ यूरिन होता है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन द ब्लैडर वॉल ट्रिगर द मिचुएशन रिफ्लेक्स। क्या करते हैं, तो स्ट्रेच होने के बाद जब ब्लैडर स्ट्रेच होता है और वो ट्रिगर करता है ब्लैडर की वॉल को, और क्या होता है, मिचुएशन रिफ्लेक्स होता है। तो कौन सी मसल्स इसे ट्रिगर करती है, डेट्रूसोर मसल्स ट्रिगर करती हैं, जिसकी वजह से यूरिनेशन पास आउट होता है। डेट सराउंड द ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट, और ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये ब्लैडर के सराउंड होती हैं, ब्लैडर की वॉल के पास होती हैं, और ये ट्रिगर करती हैं यूरिनेशन को। जब ब्लैडर फुल हो जाता है तो अर्ज होती है यूरिनेशन की। इसके अंदर दो अर्ज होती हैं, प्राइमरी अर्ज और सेकेंडरी अर्ज। प्राइमरी अर्ज के अंदर ब्लैडर फुल तो होता है लेकिन उसके अंदर ज़्यादा ट्रिगर वो नहीं कर पाता है। और सेकेंडरी अर्ज होती है जब हमें फुल अर्ज होती है यूरिनेशन पास करने की, वो होती है हमारी सेकेंडरी अर्ज। किसी किसी पेशेंट को बर्निंग मैचुरेशन फील होती है। बर्निंग मैचुरेशन का मतलब क्या है, जब यूरिनेशन के दौरान जब यूरिन के अंदर जलन होती है उसको बोलते हैं बर्निंग मिचुएशन, मिचुएशन के दौरान बर्निंग सेंसेशन फील होना। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट है कलर ऑफ यूरिन, कलर ऑफ यूरिन, कलर ऑफ यूरिन क्या है, पेल येलो कलर रहेगा, मतलब येलो लाइट, एकदम लाइट येलो कलर रहेगा। टू डीप एम्बर, डीप एम्बर का मतलब क्या है, येलो ऑरेंज कलर, डीप येलो ऑरेंज कलर यूरिन के अंदर प्रेजेंट होगा। अब क्या है, रीनल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। रीनल सिस्टम में क्या है, अ पेयर ऑफ किडनीज, किडनी का पेयर, दो किडनीज हैं, विच प्रोड्यूस एंड सीक्रीट यूरिन, जो क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है यूरिन को और सीक्रीट कर रही है यूरिन को। एंड नेक्स्ट है अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, पेयर है यूरेटर्स के, दो यूरेटर्स हैं, ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। कहाँ से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं यूरिन को, किडनी से कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो एक पैसेज है, एक पाथ है, जो यूरेटर्स हैं, यूरेटर एक पाथ है जो यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने में हेल्प कर रहा है, ये एक पाइप की तरह होती हैं। और यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में क्या है, ये कलेक्ट होता है, ब्लैडर के अंदर क्या होता है, यूरिन कलेक्ट होता है, स्टोर होता है, अंटिल इट इज वॉइडिड, जब तक वो वॉइडिड ना हो जाए, मतलब बाहर पास आउट ना हो जाए, खाली ना हो जाए।
यूरेथ्रा का क्या फंक्शन है? यूरिन इज वॉइडेड फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन वॉइड होगा कहाँ से? फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर थ्रू यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से, यूरेथ्रा के थ्रू जो है वो यूरिन पास आउट होगा, उसे यूरेथ्रा बोलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन, यूरिन के कॉम्पोजिशंस पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्लियर होगा या पेल येलो होगा, एम्बर कलर, एम्बर कलर का मतलब क्या था? येलो ऑरेंज कलर का होगा। ग्रेविटी कितनी होगी? 1.005 से 1.030 तक होगी, ये वेरी करती है लेबोरेटरीज के ऊपर। यूरिन आउटपुट कितना होगा? 1000 से 1500 ml ऑफ यूरिन पर डे, पर डे में कितना पास आउट होगा? 1000 से 1500 ml। और वाटर कितना प्रेजेंट होगा यूरिन में? 96% वाटर होगा। और यूरिया कितना प्रेजेंट होगा? 2% यूरिया होगा। और पीएच कितना होगा? अराउंड 6.6 पीएच रहेगा, और ये 4.5 से 8 तक भी जा सकता है कोई भी डिजीज कंडीशन के साथ। अब यूरिया के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा? यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया, सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड्स, फॉस्फेट्स, सल्फेट्स, ऑक्जलेट्स। ये कितना परसेंट प्रेजेंट होगा? 2%, जिसको हम यूरिया बोलते हैं। अब यूरिन आउटपुट इज कंट्रोल्ड बाय ADH। यूरिन आउटपुट को कौन कंट्रोल करता है? ADH कंट्रोल करता है। ये क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट डिक्रीज करता है ADH। अगर किसी को हाइपोटेंशन है या फिर कोई और डिजीज़ है जिसकी वजह से वाटर रिटेंशन नहीं हो पा रहा है, वाटर रिटेंशन ना होने की वजह से पेशेंट क्या हो सकता है? हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है, इसलिए हम ADH प्रेफर करते हैं। और ADH क्या करेगा? यूरिन आउटपुट को डिक्रीज़ कर देगा। और ग्रेविटी हम कैसे चेक करते हैं? ग्रेविटी के अंदर क्या होता है? ये टेस्ट होता है जिसके अंदर कंपेयर किया जाता है डेंसिटी ऑफ यूरिन टू डेंसिटी ऑफ वाटर को क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है। अगर यूरिन कंसंट्रेटेड है तो इसका मतलब है कि किडनी क्या कर रही है? प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रही है, जिसकी वजह से यूरिन क्या हो रहा है? कंसंट्रेटेड अमाउंट में आ रहा है। तो इस वजह से उसको बोलते हैं ग्रेविटी चेक करना। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ यूरिनरी सिस्टम। फंक्शंस क्या होता है और ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन करता है, मेंटेन वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, एसिड बेस बैलेंस करके रखता है, प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ एरिथ्रोपोएटिन एंड प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ रेनिन। रेनिन की प्रोडक्शन और सिक्रीशन भी करता है यूरिनरी सिस्टम। ओके गाइस, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।